हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर राशि जैन, एमडी एएम, एनएलपी ट्रेनर, काउंसलर, कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है डिप्रेशन। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक WHO की रिपोर्ट पढ़ी, जिसने मुझे अंदर तक खिला दिया और मजबूर किया कि मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो रखूँ, जहाँ हम इस डिप्रेशन के ऊपर अच्छे से डिस्कस कर सके। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इस पूरे विश्व में से जो 40% यंगस्टर्स हैं, वो आज इस डिप्रेशन के शिकार हैं। और उसमें से भी अगर हम देखें ना, तो हम अमेरिका से ज़्यादा दूर नहीं है फ्रेंड्स। बाकी चीज़ों में तो हम वेस्टर्न कंट्रीज को पीछे कर ही रहे हैं। इस डिप्रेशन और बीमारी में भी हम बहुत जल्द ही उन लोगों को पीछे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम आज ये जानें कि ये बीमारी क्या है, डिप्रेशन क्या है, क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये इंतजार रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, सो दैट जो भी इस डिप्रेशन से पीड़ित हो, वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हमारा सबसे बड़ा कार्य बनता है, सबसे बड़ा काम है हमारा कि हम लोगों को सर्विस करें, लोगों की मदद करें। तो इसे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आपके शेयरिंग में सबसे ज़्यादा दम है। आप शेयर करेंगे, आपके ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उस वीडियो को देखेंगे और जरूर अपने लाइफ में चेंजेस कर पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं दिल से चाहती हूँ कि लोग इस बीमारी से बाहर आ सकें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तब आप बोलेंगे कि हाँ यार, वाकई में ये शेयर करने जैसी चीज़ है। यू नो व्हाट फ्रेंड, सबसे पहले तो आज लोगों को यही क्लियर नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। वो हर एक चीज़ को बहुत ही, इसको एक फन हो गया है कि अगर कोई थोड़ा सा दुखी भी है ना, तो वो बोलेगा कि मैं डिप्रेस हूँ। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे। और मेरे को पता है फ्रेंड कि जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें जो है डिप्रेशन से बाहर आने की, और डिप्रेशन को ओवरकम करके अच्छे स्टेट में वापस आने की, अपनी लाइफ को वापस से नॉर्मल जीने की जो टेक्निक्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आज क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, कोई थोड़ा सा परेशान भी ना, तो हम उसको बोलते कि डिप्रेस है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, सैडनेस क्या है, ग्रीफ क्या है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये तीनों टर्म अलग है। सैडनेस अलग है, ग्रीफ अलग है, डिप्रेशन अलग है। और यही, क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे ना, हम उस हर एक चीज़ को बीमारी समझते रहेंगे, या हम जो इंसान बीमार है ना, जो सच में डिप्रेशन से ग्रसित है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो बंदा या बंदी जो है कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएगी। और यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज बड़े पैमाने पे जो सुसाइडल रेट है, वो डिप्रेशन के कारण है। और इस डिप्रेशन का देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारी लाइफ को ख़राब करने में, हमारे करियर को ख़राब करने में बहुत रोल होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बड़े ध्यान से आप मेरी बातों को सुने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए सैडनेस क्या है। दुख, सैडनेस है ना दुख, और ये दुख जो है किसी भी चीज़ से टेम्प्ररी होता है। कैसे, जैसे मान लो मैं स्कूल में आज हेड गर्ल नहीं बन पाई, इसलिए मैं दुखी हूँ, सैड, ये सैडनेस है। आज मेरा 500 रुपये घूम गया, मैं इसलिए दुखी हूँ, ये सैडनेस है। अब ऐसे ही जो है, अब हम ग्रीफ देखते हैं। ग्रीफ क्या है, मान लो मेरे घर में किसी की मौत हो गई और मैं ग्रीफ हुआ, ठीक है, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, या मान लो कोई मेरे साथ, मान लो मेरी जॉब जहाँ लगनी थी वहाँ जॉब नहीं लगी, तो मैं थोड़ी देर, हो सकता है कि मैं उसके लिए एकदम गम में डूब जाऊँ, तो ये ग्रीफ है। सैडनेस क्या था, मान लो मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ये सैडनेस हो गया। मान लो मेरे से पैसा घूम गया, मुझे जहाँ जाना था वहाँ मैं नहीं जा पाया, आज मेरे को मुझे जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी वो मैं नहीं कर पाया, तो इससे मैं दुखी हो सकता हूँ, ये डिप्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले ये इस बात पे क्लियर होइए कि सैडनेस क्या है, ग्रीफ क्या है, डिप्रेशन क्या है। अब हम जल्दी से जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, डिप्रेशन जब अगर किसी व्यक्ति को होता है, तो उसके पास कोई कारण नहीं होगा कि वो दुखी क्यों है, उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो क्यों दुखी है।
जैसे अभी तक हमने सैडनेस और ग्रीफ में कारण देखा ना कि मैं मेरा ब्रेकअप हो गया या मान लो मेरे घर में किसी की मौत हो गई। डिप्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हो सकता है जो व्यक्ति डिप्रेस हो उसके पास सारे रिसोर्सेज हों, समय हो सकता है वो उसके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम हो, वो शायद ऐसी जिंदगी जी रहा हो जो हम और आप डिजर्व, जो हम और आप सोचते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। हो सकता है उस समय वो कार खरीद रहा हो सकता है उस समय उसको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हो सकता है उस समय उसके बिजनेस को जे कर वो मिल रहा हो सकता है कि उस समय उसकी मैरिज हुई हो या कुछ ना कुछ उसके लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स अंदर ही अंदर अगर दुखी है, उसे पता ही नहीं चल रहा है मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, क्यों दुख मना रहा हूँ इतना, बार बार मुझे रोने रोने का मन क्यों कर रहा है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे भीड़ में हूँ लेकिन फिर भी अकेला हूँ, क्यों मेरे को हमेशा एक खाली कमरे की तलाश रहती है, क्यों मुझे लोगों के बीच भी ऐसा लगता है कि कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं इस दुनिया में अकेले रह गया हूँ। कुछ इस तरीके के लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। तो इस बातों को बड़े ध्यान से आप समझिए फ्रेंड, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो ये कुछ होता है डिप्रेशन। कुछ सालों पहले दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन को एक्सप्रेस किया था। वो कहती हैं कि जब मैं डिप्रेस थी वो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम चल रहा था। उस समय मुझे बहुत अवार्ड्स मिल रहे थे, मैंने सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में अरेंज की, मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे बार बार क्यों रोने का मन करता था, क्यों एकदम लोनलीनेस फील होने लगता था। तो कुछ और उन्होंने इस डिप्रेशन और लोग अच्छा ये मज़े की बातें यहाँ सुनिए फ्रेंड कि लोग जो है ना बाकी बीमारियों को तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते, बड़ी खुशी से बताते हैं, यू नो व्हाट, मुझे शुगर हो गई है और मैं 400 mg की गोली खा रही हूँ, मेरी दवाई तो अमेरिका से आ रही है मुझे। तो फिर लोग क्या करते हैं, सब सिंपैथी देने लगते हैं, या पता है उसको कैंसर हो गया है, यू नो व्हाट, वो ना इस बीमारी से ग्रसित है, और फलाना आदमी तो ना उसको तो इतने दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही बात आती है किसी साइकोलॉजिकल इशू की या डिप्रेशन की, हर कोई इंसान इस बात को छुपाने लगता है। क्यों? क्योंकि लोग उससे सामने वाले बंदे को सिर्फ एक ही टाइटल दे देते हैं कि ये पागल हो गया है। यू नो व्हाट, डिप्रेशन पागलपन नहीं है। इस बातों को अपने अंदर तक जाने दीजिएगा। क्या कहा मैंने, डिप्रेशन मतलब पागलपन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई अगर डिप्रेस हो गया है तो वो पागल हो गया है, अरे नहीं। जैसे हम यू नो व्हाट फ्रेंड, आज यही तो हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। जब हम आज इस मॉडर्न पीढ़ी के हैं, जब हम इस मॉडर्न पीढ़ी के लोग हैं, मॉडर्न जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, और आज भी हम यही सोच लेके घूम रहे हैं कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, कोई अपनी काउंसलिंग करवा रहा है, तो वो पागल है। यू नो व्हाट, तेरे को फीवर हो गया ना तो तू सबको बताना, लेकिन डिप्रेशन हुआ ना तो किसी को मत बताना, क्यों, नहीं तो लोग तेरे को पागल समझेंगे। और एक्चुअली में यही कारण होता है कि लोग अपने डिप्रेशन की स्टेज को छुपाते हैं, और एट द एंड रिजल्ट होता है कई बार सुसाइड, जो कि बहुत गलत है फ्रेंड्स। यू नो व्हाट, हमें, और दीपिका पादुकोण ने इसीलिए तो अपने इस डिप्रेशन को एक्सप्रेस किया ताकि लोग जो हैं इसके विषय में अवेयर हों और अपनी इस बीमारी से बाहर आ सकें। यू नो व्हाट, डिप्रेशन की स्टेज बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। जितने लोगों की मैंने काउंसलिंग की है, मैं उन लोगों को देख के ये बता सकती हूँ, और आप फील कर सकते हैं इस बात को फ्रेंड कि कितनी बुरी हालत होती होगी उनकी, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों मैं इतना दुखी हूँ, क्यों मेरी जीने की आस एवे ही ख़त्म हो गई है, क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस अब ख़त्म करते हैं, हो गया, जैसे अचानक काले बादल आ गए हो, उनके माइंड को किसी चीज़ ने घेर लिया हो, कुछ इस तरीके का डिप्रेशन होता है। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे कि अगर कोई भी आपका दोस्त या आप अगर डिप्रेशन के शिकार हैं तो ज़रूर काउंसलिंग कराइए, ज़रूर लोगों को बताइए अपने भावनाओं के बारे में। प्लीज़ अपने आप को अकेले कमरे में बंद मत कीजिए। यू नो व्हाट, जब आप इस, और ये डिप्रेशन का एक इलाज है ना, सही, दुनिया में ढिंडोरा लेके मत घूमिए कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, अरे ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन कम से कम जो आपके घर के खास लोग हैं उन्हें तो आप अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं ना। तो ये कुछ है, और मैं दिल से चाहती हूँ फ्रेंड कि आप इस चीज़ों से बाहर आए, तो इसलिए ये ज़रूर कीजिएगा। अब हम समझते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो बहुत से कारण हैं। पहला उसमें है हमारी लाइफ स्टाइल। आज हम किस तरीके से जी रहे हैं फ्रेंड,
कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है। कभी हम रात को 12 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे रात को सो रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी दोपहर को 12 बजे तक के हमने पेट में एक अनाज का दाना नहीं डाला है, कभी हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी हम पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं रहे हैं, कभी हम 6 घंटे प्ले स्टेशन में खेल रहे हैं और कभी जो है हम बिल्कुल वॉक में जा ही नहीं रहे हैं, कभी हम अपने यू नो व्हाट, अगर हम लाइफ स्टाइल जिस तरीके से होनी चाहिए, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ जो होनी चाहिए वो अगर हम नहीं जी रहे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम डिप्रेस हो जाए। क्यों? क्योंकि इस दौरान देखिए, जब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, तो हमारे शरीर में अलग तरीके के केमिकल निकलते हैं जो हमें सही रखते हैं, और जब हम इस तरीके से उटपटांग सी दिनचर्या अपनाते हैं, लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल निकलते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर उसको रिस्पॉन्स डिप्रेशन के रूप में देता है। तो ये इस बात का आप अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। एक ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं अपने लाइफ में, जितना ज़्यादा हमारे लाइफ में इमोशंस की कमी होते जा रही है, जैसे जैसे हम लोगों हमारे और लोगों के बीच में जो गैप है वो बढ़ते जा रहा है, जैसे हमारे लोगों रिश्तों में जो गैप आ रहा है, ये आज सबसे बड़ा कारण बनता है डिप्रेशन का। और जितना ज़्यादा हम ये हो गया ना कि यार किसी के लिए कितना भी कर लो, हमको मिलना तो कुछ नहीं है, इसलिए करना ही क्यों, तो ये कारण बनता है डिप्रेशन का। और हाँ, आप इस समय भी शायद सोच रहे हो कि यार अगर ऐसा है तो हर कोई डिप्रेस होगा। नहीं फ्रेंड्स, कितनी इंटेंसिटी से आप इस बात को अपने अंदर पकड़ के रखे हो, कितनी ज़्यादा इमोशंस हैं आपके इस बात को लेके, उससे आप कम या ज़्यादा मात्रा में डिप्रेस होंगे। और जितना ज़्यादा ये हो गया ना कि हम लोगों के बीच में तो हैं लेकिन कोई भी हमारा सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा है, या जो हम यहाँ हम जो आज बाहर जाके पढ़ाई करते हैं तो हमारे साथ होता है ना कि हम अकेले हैं, हमारे मम्मी पापा कहीं और हैं, और ये जो इस तरीके का जो कल्चर बन गया है, ये कारण बनता है डिप्रेशन का। और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। तो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ फ्रेंड, कि हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत ना हो और हो सकता है आप मेरी बातों को सुन के हंस पड़े। बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक, बहुत ज़्यादा रैप सॉन्ग सुनना, ये कारण होता है डिप्रेशन का, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ऐसे केमिकल्स को क्रिएट करता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को क्रिएट करता है जो एक तरीके से डिप्रेशन की अवस्था में हमें खुद ले जाता है। और इस बात का हमें भनक भी नहीं पड़ता कि कब हम डिप्रेस हो गए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ध्यान दें। और इसके साथ जब सारे दिन हम ये लैपटॉप और कंप्यूटर मोबाइल के साथ जो हम चिपके रहते हैं, ये भी डिप्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि इनमें से भी एक पर्टिकुलर तरीके के रेडिएशंस निकलते हैं जो डिप्रेशन में कारक होते हैं। तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है। और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो हम मानसिक तौर पे अकेले हो गए हैं, जो मानसिक तौर पे हमारी अवस्था हो गई ना कि हमें तो मनी माइंडेस, बस मनी हो, बस पैसा होना चाहिए, बस हमको तो चीज़ें मिल जानी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हम चीज़ों से कनेक्टेड हो गए हैं ना, और लोगों से कनेक्शन करना हमने बंद कर दिया है, ये डिप्रेशन का कारण बनता है। या प्यार की कमी, कि मेरे से तो कोई प्यार नहीं करता, या मेरे पास लोग इतने कम हो गए हैं कि मेरे से अब प्यार करने वालों की संख्या जो है कम हो गई है, ये कारण बनता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आप जल्दी से जान लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम अगर आप ये रूटीन डालें कि दिन में कम से कम 15-30 मिनट आप एक्सरसाइज करें, चाहे एरोबिक करें, जुम्बा करें, योग करें, कोई आसन, कोई प्राणायाम करें, सब जो है डिप्रेशन को ख़त्म करता है, जड़ से ख़त्म करता है। कितनी भी आप गोलियां खा लें फ्रेंड्स डिप्रेशन की, वो टेम्प्ररी इलाज होगा, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो बेस्ट तरीका है इस डिप्रेशन को ओवरकम करने का। और आगे भी लाइफ में अगर आपको अच्छे से मूव करना है तो आपको एक्सरसाइज करने की तो बिल्कुल हैबिट डालनी ही चाहिए। और मुझे पता है कि आप ऐसे ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, तब हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन और ऐसे बहुत से वेलनेस केमिकल्स और बहुत अच्छी ऑक्सीजनेशन होती है, क्योंकि हमारे माइंड तक इसलिए जो है एक्सरसाइज से हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं।
अ सेकंड पॉइंट फ्रेंड, जितना ज़्यादा हम काइंडनेस प्रोजेक्ट में ध्यान दें, जितना ज़्यादा हम काइंडनेस के काम करें, जितना ज़्यादा हम सेवा करें, यू नो व्हाट, जैसे पंजाबियों में होता है ना, क्या ट्रेडिशन है उनका, सही में हैट्स ऑफ टू देम, क्या काम करते हैं वो, लंगर चलाते हैं और कितनी सेवा करते हैं। तो अगर हम अपने दिन भर के 5 मिनट भी, कम से कम 24 घंटे में से अगर 5 मिनट भी किसी इस तरीके के काम में अपने आप को इन्वेस्ट करें जिससे किसी इंसान का भला हो, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती है जिसमें डोपामिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, देखो जो मैं बता रही हूँ वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब हम काइंडनेस प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा कुछ करते हैं, तो ना सिर्फ उस सामने वाले पर्सन के शरीर में डोपामिन निकलता है जिसके ऊपर वो अच्छा काम किया जा रहा हो, बल्कि हमारे शरीर में भी डोपामिन की उतनी ही मात्रा में रिलीजन होती है, और उससे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो डोपामिन से संबंधित है, डोपामिन की कमी होने से, चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, बहुत ज़्यादा मोटापा होना हो, बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होना हो, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें। हाँ फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा यहाँ, इसीलिए मैं इतना अनक्लियरली आपको समझा रही हूँ कि जब भी हम काइंडनेस प्रोजेक्ट करते हैं, तो ना सिर्फ सामने वाले पर्सन के बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, हमारे शरीर में भी डोपामिन रिलीज होता है। और मज़े की बात यह है फ्रेंड कि जो तीसरा व्यक्ति हमें ऐसा करते हुए देख रहा होता है, उसके भी शरीर में सेम अमाउंट में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। क्या बोला मैंने? ना सिर्फ सामने वाले बंदे के शरीर में, आपके शरीर में, प्लस जो आपको ऐसा करते हुए देख रहा होगा उसके भी शरीर में सेम अमाउंट में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। और ना सिर्फ आपका डिप्रेशन खत्म होगा, उस सामने वाले बंदे का डिप्रेशन खत्म होगा, बल्कि उस थर्ड पर्सन का भी डिप्रेशन खत्म होगा। और अगर हम हर एक व्यक्ति इस तरीके से काइंडनेस प्रोजेक्ट करने लगे, तो यू नो व्हाट, इस दुनिया से डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म होगा। और आप देखो ना फ्रेंड, पुराने जमाने में किसी ने नाम सुना होगा इस डिप्रेशन का? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय का एनवायरनमेंट ऐसा था, लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। यू नो व्हाट, एक गाना आपने सुना होगा, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपको डिप्रेशन से ओवरकम करना है, अगर आप डिप्रेशन से उबरना चाहते हो, तो जरूर लोगों की सहारा बनिए, लोगों का सहारा बनिए, लोगों को मदद कीजिए। मैं सहारा नहीं, ये वाले सहारा की बात नहीं करूँ, सहारा इंडिया की बात नहीं करूँ, लिटरली लोगों की मदद करने की बात करूँ, ठीक है? तो यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम, मैं और क्या कर सकते हैं ये बताती हूँ। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो फ्रेंड्स, और यू नो व्हाट, सबसे अच्छा है कि अगर आपकी जो मम्मी है या पापा हैं, या अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है, तो आप उन्हें हग कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डिप्रेस हैं, तो आप अपनी मम्मी पापा को या जिनसे आप बहुत क्लोज हैं उन्हें हग कर सकते हैं, या अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में है, तो आप अपने बच्चे को डिप्रेस कर सकते हो। सो दैट, क्योंकि जब हम किसी को हग करते हैं, तो जो डोपामिन हार्मोन है वो बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत अच्छे से रिलीज होता है। और ना सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है, बल्कि उस इंसान के बॉडी में जो हग कर रहा होता है और जो जिसे हग किया जा रहा होता है, उन दोनों के बॉडी में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जो सामने वाले को कई बीमारियों से बाहर ला सकता है। तो ये कीजिएगा। और हम इसके साथ, यू नो व्हाट फ्रेंड, आज हम जितने ज़्यादा अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा हम डिप्रेस होते जा रहे हैं। पहले एक हमारा कल्चर था कि हम सब ध्यान करते थे, हम सब बैठ के ओम का उच्चारण किया करते थे, तो हम डिप्रेशन से बाहर रहते थे। तो अगर हम फिर से ये हैबिट डालें, सो कॉल्ड मॉडर्न बिहेवियर को, मॉडर्न माइंडसेट को छोड़कर, कि यार जो मेडिटेशन करता है उसको तो बाबा, महात्मा, पता नहीं पुरखा क्या क्या बोलेंगे। अगर मैं मेडिटेशन करूँगा तो लोग बोलेंगे, अरे ये तो मेरे क्लास के बाहर है, ये इस इंसान को छोड़ो। लेकिन अगर हमको सही में डिप्रेशन, यू नो व्हाट, जो सही में ऐसे लोग हैं ना, उनको आप जरूर छोड़ देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं थी फ्रेंड्स कि ये ऑकवर्ड थी या देहाती थी, नहीं, ये सारी चीज़ें हमें हील करने के लिए थी। तो अगर हम
फिर से मेडिटेशन की ओर, फिर से ओम उच्चारण की ओर, फिर से अपने धर्म से कनेक्टेड हो, फिर से हम पूजा पाठ करें। अब मैं पंडितों के पास जाके या बाबा के पास जाके पूजा पाठ करवाने नहीं कह रही हूँ, आप खुद तो मंदिर जा सकते हो ना, खुद तो भगवान से प्रे कर सकते हो ना, तो ये बहुत बड़ा कारण होगा, बहुत अच्छा इलाज होगा आपके डिप्रेशन का, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ठीक करने के लिए एंशियंट विजडम में बनाई गई थी, एंशियंट विजडम के हिसाब से बनाई गई होगी, बनाई गई थी, और आज ये बिल्कुल प्रूव है। यू नो व्हाट, मंदिर का जो ऑरा होता है वो इतना अच्छा होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है मंदिर का, जो एनर्जी मौजूद होती है मंदिर में, वो इतनी अच्छी एनर्जी होती है कि वो सामने वाले इंसान के ना सिर्फ शरीर की, ना सिर्फ मन की, बल्कि उसके लाइफ की हर एक एरिया को क्लीन कर सकती है और उसे लाइफ में जो वो ग्रोथ चाहे वो दिलवा सकती है। लेकिन तो फिर ये डिप्रेशन कौन सी चीज़ है, इसलिए ये हम कर सकते हैं। और चौथी टेक्निक जो है वो NLP की है, जो मैं आपको एकदम जल्दी से बता देती हूँ, जिसे आप ज़रूर कीजिएगा। एक और बात फ्रेंड, मेरी मैम हमेशा कहती है कि ग्रेटिट्यूड की कमी होना सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। क्या कहा मैंने? कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड की कमी, सॉरी, कृतज्ञता का अभाव मतलब ग्रेटिट्यूड की कमी सबसे बड़ा कारण होता है डिप्रेशन का। तो अगर हम ग्रेटफुल रहें जो भी हमारे पास है, या जो भी हमारे सराउंडिंग में है, सोचो तो हम कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, देखें तो हमारे पास हजारों चीज़ें होंगी ग्रेटफुल होने की, और अगर हम ग्रेटफुल हो जाए ना फ्रेंड, तो डिप्रेशन यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बी ग्रेटफुल। जो भी आप ग्रेटिट्यूड डायरी बना सकते हो, ग्रेटिट्यूड ग्रुप से जुड़ सकते हो, या फिर आप चलते फिरते एक्सरसाइज करते हुए याद कर सकते हो कि आज मेरे को पानी अच्छे से मिल गया, आज नल बहुत अच्छा आया, तो मैं उस पानी के प्रति भी ग्रेटफुल हूँ, उस नल के प्रति भी ग्रेटफुल हूँ, वो जो वाटर सप्लाई करते हैं उन लोगों के प्रति भी ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका डिप्रेशन जो है छूमंतर हो जाएगा। और लास्ट, अब मैं आपको NLP ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए फ्रेंड, कि आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हुई हैं, अगर आप उसे रिकॉल करें और एक डायरी बना लें कि आज मैं ना, अगर मैं डिप्रेस हूँ, आज मैं डिप्रेस हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगी, आज बैठ के अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को याद कर करके लिखूँगी और उसको पढ़ूंगी, या कहीं ऐसी जगह लगा दूंगी जहाँ से मेरी नज़रें उसे बार बार देखें, और आप देखेंगे कि जब हम अपनी लाइफ की अच्छी मेमोरीज को याद करेंगे, उसे बार बार देखेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, अगर हम माइंड में ही रिकॉल करना चालू कर दें कि मेरे साथ आज से 2 साल पहले क्या अच्छा हुआ था, आज से 15 दिन पहले क्या अच्छा हुआ था, 20 दिन पहले अच्छा क्या हुआ था, कल मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था, तब देखेंगे कि डिप्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, हम NLP में ये पूरा एक टेक्निक कराते हैं, जिसमें हम सामने वाले पर्सन की इस अच्छी मेमोरी को बूस्ट कर देते हैं, तो वो अपने आप इस डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। मैं आपको करवा देती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए क्विकली करवा देती हूँ। करना ये है फ्रेंड कि हमें चलिए मैं बोलती हूँ, आप कीजिएगा। तो मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि आप बैठ गए हैं और मेरी इस इंस्ट्रक्शंस को ले रहे हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आपने फील किया, आपकी वो मेमोरी बूस्ट हुई, आपको कितना अच्छा फील हुआ, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने फीडबैक्स को ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड ठीक है, बैठ चुके हैं आप, नाउ गो इन टू दैट टाइम, उस समय पे जाइए जब आप किसी बहुत अच्छे इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी घटना को एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है वो आपका बर्थडे पार्टी हो या कोई भी आपकी लाइफ की इवेंट हो, और अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है, अच्छे से देखिए वहाँ क्या हो रहा है, सुनने की कोशिश कीजिए कि आप उस समय अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, कितने लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द में जो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, सुनिए उन आवाज़ों को जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है, हो सकता है आप अपने आप को उस समय कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, या लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, फील करना चालू कीजिए फ्रेंड्स। और जैसे जैसे मैं फील कीजिए उन्हें, फील कीजिए जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, आई अज्यूम कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली होगी। अब जैसे जैसे मैं काउंट करते जा रही हूँ, वैसे ही
ये सारी चीज़ें जो हैं और इंक्रीज होने वाली है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभी अपनी आँखें खोलिए और चारों तरफ देखिए, और अब आप फिर से आँख बंद कर सकते हैं, या जैसे अभी आपने आँख खोल के ये चीज़ें की वैसे ही आप आँख खुली रख के भी ये सारी चीज़ें दोबारा कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग आँख बंद करके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना। फिर से उस टाइम में जाइए, और जब आप इस टाइम में जा चुके हैं तो देखिए वहाँ क्या हो रहा है। और जैसे जैसे मैं काउंट कर रही हूँ वैसे वैसे ये जो आपकी इमेज है वो अच्छी होती जाएगी, और आप देखेंगे कि आप एक अच्छे रिसोर्सफुल स्टेट में आ चुके हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 जो भी आवाज़ें वहाँ थी उसे महसूस, उन्हें सुनना चालू कीजिए। जो भी आपको आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, जो भी आप अपने आप से अच्छी बातें करें उन्हें सुनना चालू कीजिए, और फिर इस काउंट के साथ वो साउंड जो है आपके माइंड में बढ़ने वाला है, 1, 2, 3, 4 वंडरफुल, और ये साउंड और तेज हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 नाउ यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 10 नाउ एंजॉय ऑल दैट साउंड्स। नाउ अब जैसे जैसे आप उस चीज़ों को फील करते जा रहे हैं, हम इस फीलिंग को बढ़ाने वाले इस काउंट के साथ, और आप देखेंगे ये जो मेमोरी है आपकी पुष्ट होने वाली है, और आप एक बार फिर से उस इवेंट को जीने वाले हैं। और जब आप इस चीज़ों को जीने वाले हैं तो आप इस डिप्रेशन से बाहर आने वाले हैं और अपनी लाइफ में मैक्सिमम रिजल्ट क्रिएट करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाउ रिलैक्स। और जैसे जैसे आप श्वास लेते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये मेमोरी और अच्छी होती जा रही है, और आपके अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट करते जा रही है। और आपके लाइफ में अगर आप डिप्रेस हैं तो उस डिप्रेशन को ये पूरी तरह से ख़त्म कर चुकी होगी, और अगर आप डिप्रेस में नहीं हैं तो ये आपको एक हैप्पीनेस की स्टेट में ले जाएगी और आपके लाइफ में मैक्सिमम रिजल्ट क्रिएट कराएगी। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब आप कंफर्टेबल हो तब आप आंखें खोल सकते हैं और अगेन चारों तरफ देख सकते हैं। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इस स्टेट को ब्रेक कर चुके होंगे, चारों तरफ देख चुके होंगे। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये कैसे काम करता है, तो हमारी मेमोरी जो है कुछ पिक्चर्स से, कुछ साउंड से और कुछ फीलिंग से बनती है। जब मेमोरी फेडअप हो जाती है, अच्छी मेमोरी, और बुरी मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, तो भी डिप्रेशन के शिकार होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हम इस टेक्निक को करते हैं तो जो खराब मेमोरी है वो दब जाती है, और अच्छी मेमोरी जो है बूस्ट होने लगती है, और फिर से हम इस डिप्रेशन के स्टेज से बाहर आके अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। और मुझे पता है फ्रेंड कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में, और यू नो व्हाट, आप इसे ज़रूर अप्लाई करे होंगे, और जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन महसूस हुआ होगा, बहुत ही रिलैक्स महसूस किया होगा आपने, और बहुत जल्दी आप देखेंगे फ्रेंड विद इन 1 or 2 days कि आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। विद दिस फ्रेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फ्रेंड कि आपने इतने सब्सक्राइबर्स दिए मेरे चैनल्स को, सॉरी मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगी फ्रेंड्स लास्ट में कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बिल्कुल आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे ज़रूर सेंड कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नमस्ते।